नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी में जो सीट बढ़ाया गया, यानी कि पोस्ट जो बढ़ाया गया है, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट बढ़ाया गया और मेल कैंडिडेट का इसमें कितना सीट अवेलेबल है और फीमेल कैंडिडेट का कितना सीट अवेलेबल है, वो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैं यहाँ पे जो है सो ओपन करके रखा हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहाँ पे ओपन कर लिया। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबको लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फैक्स नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें पार्ट वन का, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे फिर सबको पार्ट वन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट वन, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे फोर्स, ओके, और उसके बाद यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल, ओके। बारीकी से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, ओके। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको देखने के लिए मिलेगा बीएसएफ, ओके, यहाँ पे बीएसएफ और यहाँ पे एससी और यहाँ पे एसटी और यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे यूआर यानी जनरल और उसके बाद यहाँ पे टोटल। तो चलिए बता देते हैं, यहाँ पे देखेंगे फिर सबको बीएसएफ जो है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ, बीएसएफ जो है ये, इसमें एससी के लिए यहाँ पे 2776 सीट अवेलेबल है और एसटी के लिए यहाँ पे 1812 सीट अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 3917 सीट अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है, गैर आरक्षित जो होते हैं जनरल में, उनके लिए देख सकते हैं 1758 सीट अवेलेबल है और जनरल यानी कि सामान्य जो कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट जो है, उनको 7387 सीट अवेलेबल है, यानी कि 7387 सीट अवेलेबल है, ओके, बीएसएफ के लिए, ओके। टोटल सीट जो है बीएसएफ में, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट 17650 है, ओके, बीएसएफ के लिए मैं बता दिया, ओके। मेल कैंडिडेट के लिए अभी बता रहा हूँ, ओके, बाद में बता रहा हूँ, मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबको सीआईएसएफ, ओके, सीआईएसएफ में एससी कैंडिडेट के लिए 811 सीट अवेलेबल है, एसटी के लिए 510 और वही जो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ओबीसी के लिए 1200 और ईडब्ल्यूएस के लिए 538 सीट है और जनरल के लिए यहाँ पे देखते हैं 2264। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे टोटल सीट, यहाँ पे 5323 सीट अवेलेबल है सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स सीआरपीएफ में, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे देखें 1700 सीट अवेलेबल है, एसटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एसटी कैंडिडेट जो है यहाँ पे 678 सीट अवेलेबल है, वही ओबीसी के लिए 2472 सीट अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देखें 1095 सीट अवेलेबल है, वही जनरल के लिए 4644 सीट अवेलेबल है। दो टोटल सीआरपीएफ में सीट अवेलेबल है 10589 सीट अवेलेबल है। उसी तरह देख सकते हैं एसएसबी में सीट देख सकते हैं, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एससी में 340 और 151, एसटी में ओबीसी में 449 और 140, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में 841, टोटल देख सकते हैं फ्रेंड्स एसएसबी में 1924 सीट अवेलेबल है। उसी तरह आईटीबीपी में देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है एससी में 204 और एसटी में यहाँ पे 176 और 305 जो है ओबीसी में है और 112 है जनरल में, सॉरी फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में 100, सॉरी फ्रेंड्स, जनरल में जो है यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में 722 सीट अवेलेबल है, टोटल यहाँ पे 1519 सीट अवेलेबल है आईटीबीपी में। उसी तरह एआर यानी कि असम राइफल में देख सकते हैं एससी के लिए 355 सीट अवेलेबल है, एसटी के लिए 581 और ओबीसी के लिए 570 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 316 और जनरल के लिए 1331 सीट अवेलेबल है, टोटल जो है असम राइफल में 3153 सीट अवेलेबल है। उसी तरह यहाँ पे एसएसएफ जो होता है उसके लिए यहाँ पे एससी के लिए 31 गो और यहाँ पे एसटी के लिए 3 ठो है, ओबीसी के लिए 14 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और यहाँ पे जनरल के लिए 59 सीट और यहाँ पे टोटल 116 सीट एसएसएफ में अवेलेबल है, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा, यहाँ पे तीनों सारा चीज़ यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एससी के लिए टोटल जो है 62 टोटल सभी पोस्ट मिला के, जितना भी इसमें पोस्ट है पोस्ट वाइज यहाँ पे टोटल मिला के 6217 एसटी एससी के लिए और यहाँ पे 3914 है जो कि एससी के लिए एसटी के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, एसटी के लिए 3914 और उसी तरह ओबीसी के लिए 8927 सीट अवेलेबल है,
टोटल पोस्ट मिला के, ओके। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 3968 है, और इसी तरह जनरल में देख सकते हैं यहाँ पे 17,248 सीट अवेलेबल है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 40,274 सीट अवेलेबल है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल में भी, यहाँ पे फीमेल देख सकते हैं, फीमेल में एससी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएफ में 486 सीट अवेलेबल है, एससी के लिए, एसटी के लिए यहाँ पे 327, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 688, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 313, और जनरल के लिए यहाँ पे 1305। टोटल यहाँ पे जो है कि बीएसएफ में फीमेल के लिए 3115 सीट अवेलेबल है, ओके। उसी तरह यहाँ पे सारा चीज देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। मैं आप लोग को समझा दिया किस तरह से आप लोग देखेंगे, ओके। उसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ जो देख सकते फ्रेंड्स टोटल जो पोस्ट है इतना, ये सब मिला के यहाँ जो देख सकते फ्रेंड्स, ये सारा चीज मिला के ऊपर जितना भी पोस्ट है, और एक्स्ट्रा जो पार्ट टू में जो एक निकाला गया है एनसीबी करके होता है फोर्स, उसके लिए यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स निकाला गया है। यहाँ पे एससी के लिए देख 27 है एनसीबी के लिए, और एसटी के लिए 12, और ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, जनरल के लिए यहाँ पे 73 है, और इसी तरह यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स टोटल 175, टोटल मिला के यहाँ पे 45,284 सीट अवेलेबल है, जो